सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ही मिल सके लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले। पहले थैंक्स टू प्रदीप मोबाइल जिसके कारण ये वीडियो बन रहा है। अगर आपको किसी भी मोबाइल फोन ओप्पो वीवो या एमआई का परचेस करना है तो आप इस शॉप विजिट कर सकते हैं। इस शॉप का इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन में मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, इस फेसबुक पेज में मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। हे गाइस, व्हाट्स अप, मैं आशित गोपाल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बेस्ट बजट फोन 10,000 के रेंज में। ओके, तो इसे मैं बेस्ट बजट इसलिए बोल रहा हूँ कि जो अभी काफी ऐसे भी लोग हैं जिनको शाओमी ऐसा लगता है कि वो चाइनीज कंपनी है तो वो ब्रांड की तरफ जाते हैं। तो ब्रांड जैसे कि नोकिया जो सबसे भरोसेमंद मोबाइल है, तो वैसे में अगर सस्ते खरीदना चाहते हैं तो एमआई की तरफ नहीं जाते, अभी सैमसंग की तरफ जाते हैं या कोई भी ब्रांडेड मोबाइल की तरफ जाते हैं। तो ऐसे में नोकिया का एक नोकिया 3 करके आया है मोबाइल, वो भी काफी अच्छा है। रेडमी से उसका स्पेसिफिकेशन कम है लेकिन ओवरऑल वो फोन भी गुड है। तो बात कर स्मार्टफोन के बारे में, तो सबसे पहले इसमें आपको क्वाड कोर का प्रोसेसर मिलेगा, 1.3 गीगाहर्ट्ज़, 2 GB का रैम, फ्रंट और बैक दोनों 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। इसमें नोगट मिल रहा है 7.0 का और 2630 mAh की बैटरी है और 5 इंच का डिस्प्ले है। स्पेक्स और इसका डेप्थ में जाए तो इसमें आपको मीडिया टेक का प्रोसेसर मिलेगा जो 6737 है और इसमें आप माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं और इसको एक्सपेंड कर सकते हैं 128 GB तक। इसमें आपको फ्लैश भी मिलेगा और बाकी OTG सपोर्ट और जो बेसिक फीचर है वो भी मिलेगा इस मोबाइल में। तो इस फोन के प्रोस एंड कॉन्स की बात करें तो इसको जब अपने हाथ में लेंगे तो ये काफी आपको सॉलिड फील आएगा, इसका क्वालिटी भी काफी प्रीमियम है। अगर आप इसका बैक का देखेंगे तो लगेगा कि ये मेटल का है लेकिन ये फाइबर का है और इसको आप इसमें आप स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबका अलग से सिम कार्ड दिया है जो कि एक पिन के थ्रू आप निकाल भी सकते हैं। और इसकी कॉन्स की बात करें तो इसका परफॉर्मेंस ओवरऑल एवरेज है, उतना कुछ खास नहीं है और कैमरा क्वालिटी भी मीडियम है, डिसेंट कह सकते हैं, अब तक कोई खास भी नहीं है। और इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया है। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से जैसे Xiaomi Redmi Note 4 है उसमें भी फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है और प्रोसेसर भी क्वाड कोर है तो वो मोबाइल भी काफी अच्छा है, लेकिन कई लोग ब्रांड की तरफ जाते हैं तो ये नोकिया फोन भी काफी अच्छा मोबाइल है। तो ये था मेरा ओपिनियन इस मोबाइल को लेकर। तो आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए आई एम आशित गोपाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ।